एक बहुत बड़ा सवाल तो खत्म हो गया कि कब आ रहा है पूरा रिलीफ। आई थिंक वो 5 के बाद ही हुआ है। मैं तो सवाल को मिस कर रही हूं। मेरा तो बहुत मन है वैसे करने का। कहीं हिंट तो नहीं? कालिन भैया कहाँ है? बाजू वाले रूम में। मिले तो एक खा लेते हैं। अब थोड़ी देर पहले थे और हमने उन्हें वहां से भी हटा दिया। सब जर्नलिस्ट ने मिर्जापुर के बारे में ही सवाल पूछे और मेरा डायरेक्टर इतना परेशान हो गया, उसने बोल दिया एक बार कि हाँ मेरी फिल्म आ रही है और मैं वो उसके साथ ना मिर्जापुर का ट्रेलर डालूंगा। कालीन भैया कहाँ हैं? इज अगेन सीजन 3 में है, हमने देख लिया ट्रेलर में, कमाल की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो अब तक नहीं देखा है, तो वो किसके साथ करेंगे और किससे करवाएंगे वो हम देखते हैं। ये सवाल मुझे इतना पूछा था कि वही मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि मेरी असली मम्मी के पीछे पड़ गए थे लोग। लोगों के बीच कालीन भैया के प्रति सिंपैथी जनरेट करनी है बस। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी वी, दिस इज मुर्तजा इकबाल एंड फाइनली 5th जुलाई को आई थिंक जो 4 सालों से हम सबका वेट है वो खत्म होने वाला है 5th जुलाई को। आई एम टॉकिंग अबाउट मिर्जापुर सीजन 3 जो फाइनली अमेजोन पे आ जाएगा। एंड टुडे आई एम विद द कास्ट ऑफ द फिल्म, रसिका, प्रियांशु एंड अंजुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मी बीट। हाय। हेलो। हेलो। हाय। आज आप लोग को भी रिलीफ फील हो रहा है फाइनली आ रही है? लाइक हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है जो फैंस थे शो के, एंड एज अ जर्नलिस्ट आल्सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर इट, बट आप लोग को भी एक रिलीफ फील हो रहा है कि भाई आ रही है? इस जीवन में जब हर आदमी चाहता है कि थोड़े जो सवाल हैं आपके यहाँ जीवन में थोड़े तो कम हो जाएं। हाँ। तो एक बहुत बड़ा सवाल तो खत्म हो गया कि कब आ रहा है पूरा रिलीफ। आई थिंक वो 5 के बाद ही हो गया। मैं तो सवाल को मिस कर रही हूँ। अच्छा। आई थिंक वो 6 जुलाई के बाद जब होगा ना कि सीजन 4 कब आ रहा है, तब वापस से शुरू होगा। That सवाल was a good conversation starter. I mean, you're in a place जहाँ पे आप किसी को जानते नहीं, कोई आके अपने आप को इंट्रोड्यूस भी ना करे, ये पूछ सकता है कि मिर्जापुर सीजन 3 कब आ रहा है, तो गुड इंट्रोडक्शन। अब क्या आ रहा है तो अब पहले तो हम कह देते थे हाँ आएगा, आना चाहिए, करेक्ट है। अब आ रहा है पता है तो इट हैज टेकन अस टू नर्वसनेस, द एरिया ऑफ एक्साइटमेंट एंड नर्व्स, दोनों। यस, ऑफ कोर्स मेरा पहला क्वेश्चन यही होने वाला था, दैट एक प्रेशर फील हो रहा है कहीं पे कि बिकॉज ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी टेलिंग और द डायरेक्शन ऑफ, बट इवन विद द परफॉर्मेंसेज ऑफ योर्स, एक कहीं प्रेशर फील हो रहा है कि यार हमने डिलीवर किया होगा कि नहीं किया होगा ऐसा कुछ? यूजुअली तो मुझे ये प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगता। यूजुअली आई एम क्वाइट माई नर्वसनेस इज रिजर्व्ड फॉर डेज ऑफ शूट, ऑन दोज डेज आई एम वरीड कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसा डायरेक्टर चाह रहा है वैसा हो रहा है कि नहीं, क्या मैं इसमें और कुछ डाल सकती हूँ इसको बेहतर बनाने के लिए। तो वो सारी नर्वसनेस शूटिंग के दौरान तो भरपूर होती है, और उसके बाद जब शूटिंग ख़त्म हो जाती है फिर मुझे लगता है मैंने अपना काम कर दिया, इसके बाद क्या रह गया। बट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑनेस्टली आई एम फीलिंग अ लिटिल नर्वस दिस टाइम, बिकॉज आई गेस देयर इज लाइक यू सेड देयर इज अ लेगेसी ऑफ द शो, और एंड ऑल्सो बहुत टाइम बाद आ रहा है तो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है ऑडियंस के प्रति कि नाउ आई हैव टू गिव देम समथिंग दैट दे विल मेक देम मोर देन हैप्पी। करेक्ट। यू नो आई लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया था फॉर अ मूवी और मैंने एंड में आपको पूछा था, वो पार्ट मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था, तो मुझे लिटरली गाली दी है लोगों ने कि यू नो बीसी व्हाई डिडंट यू आस्क, डेट क्यों नहीं पूछी तूने एग्जैक्टली कि कब आ रहा है ये फेरी फोक के दौरान। हाँ, और उस टाइम पे एक्चुअली कमेंट्स आ रहे थे कि तू चू है क्या, तेरे को डेट पूछने नहीं हुआ, कब आ रहा है पूछ के क्या आ गया, एंड आई एम लाइक ओके ये तो अलग ही प्रेशर है। नहीं, उन प्रमोशंस के दौरान तो सब जर्नलिस्ट ने मिर्जापुर के बारे में ही सवाल पूछे और मेरा डायरेक्टर इतना परेशान हो गया, उसने बोल दिया एक बार कि हाँ मेरी फिल्म आ रही है और मैं वो उसके साथ ना मिर्जापुर का ट्रेलर डालूंगा। सब जाके देखना तब पता चलेगा, सब देखना। राइट, कमिंग टू यू गाइस, ऑफ कोर्स टॉक अबाउट द प्रेशर ऑफ डिलीवरिंग। यार वो बिकॉज क्रिकेट फीवर चल रहा है, मैं तो वही बोलूंगा कि आई थिंक वो इट्स फील्स लाइक वो लास्ट मैच में सेंचुरी मार दी थी और अब ये वाले मैच में भी मारनी पड़ेगी वाला वो प्रेशर नहीं होता कि बैटिंग अच्छी चल रही थी सीजन में, आपने 2 सीजन अच्छा खेल लिया है, ये वाले सीजन में आप कैसे खेलोगे, पीपल आर रियली, तो द एक्सपेक्टेशंस देयर एंड दैट इज व्हाई द प्रेशर, अदरवाइज इट्स नॉट अ प्रेशर ऑफ कि ओ माय गॉड कैसा लगेगा। डेफिनेटली वी नो दैट वी आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट ऑफ द काइंड ऑफ टीम वी आर, और जब टीम जीतती है, जब इंडिया जैसे खेल रही है आजकल क्रिकेट, तो मैं उसी हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ कि आई थिंक वी नो वी हैव अ गुड शो, बट बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग यू टू रीच दैट लेवल एंड आई होप वी कैन लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन, वो वाला उस प्रेशर होता है। राइट, व्हाट अबाउट यू अंजुम? नहीं, सेम, द फीलिंग्स आर सिमिलर, बट या मतलब
मेरी कहानी तो शुरू हुई थी विद सीजन टू व्हेन आई वाज जॉइनिंग द सीजन इन इन दैट कैपेसिटी. These people were already there. Priyanshu, of course, yeah. had joined from season 2, but Rasika and other actors were already there. So, guys, I'm your senior. Yeah, you are. अब तक तो आपको ये समझ में आ ही रहा होगा पूरे all through the interviews कि ये है. ये रोहित शर्मा है. हाँ. और ये perform करेंगे. ये perform करेंगे. So, you know. तो वो एक प्रेशर उस समय था कि यार इस सीज़न में आपको मतलब ऐसा होता है ना जब आप ऐसे दिग्गजों के साथ काम करते हैं तो आपको क्रिकेट की भाषा में अगर हम कहें तो मिनिमम एक बॉल पे 6 रन बनाने पड़ते हैं right. उससे नीचे तो आप आउट हैं. तो वो प्रेशर सीज़न 2 में था. फिर सोचा चलो किसी तरह से ठीक ठाक हो सकता है, अपना काम ठीक से किया, शो बहुत अच्छा बना, बहुत ज़्यादा प्यार मिला. ये नहीं पता था कि सीजन 3 में वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज द शो हैज़ बिकम बिगर, द कैरेक्टर्स हैव यू नो There's a huge extension which a lot of layers which has been added to the characters, my character, all the characters. So yeah, pressure, excitement, everything is just increasing. But I think now after a couple of, from few days I would say a week before, I think now वो थोड़ा वापस आ रहा है. वो होता ना कि excitement और nervousness भी अपनी peak पर जाती है और फिर वो हल्के से धीरे धीरे नीचे होने लगती है without any reason. So I am experiencing that. करेक्ट. और कालीन भैया कहाँ है? बाजू वाले रूम में. मिले तो एक खा लेते हैं. अब थोड़ी देर पहले थे, हमने उन्हें वहाँ से भी हटा दिया. वहाँ से भी हटा दिया. लेके चले गए. या बट कालीन भैया कहाँ हैं? इज अगेन सीजन 3 में हैं. हमने देख ही लिया ट्रेलर में, कमाल की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो अब तक नहीं देखा है. तो वो किसके साथ करेंगे और किससे करवाएंगे वो हम देखते हैं. But yeah, it's I can understand and yeah, it is. See, this is the pressure which one feels. कि एक तो you are doing whatever your bit in such a big show and then the story has been left at such a point. So there's so much of drama in it. कि वहीं से अब जो भी खुलेगा वहीं से खुलेगा. But yeah, I'm very excited. I would say for the entire season, the way my character has shaped up in season 3 and so many also on a creative level, the kind of scenes which I got to do and all those things. So it's been a great I just hope ki itne saalon mein na log apne theories banane lag jate hain expectations mein, then they start going into ki yehi hona chahiye, and I hope if we are breaking that and we're trying to show something else and something different, correct, which is very experimental to say ki ye shade bhi ho sakta hai is character ya ye choices bhi ho sakti hai is character ki, wo hi ek halka sa hota hai ki that choice of ours which the writer has done or the director has done or as actor we have done, I hope you'll be pasand aaye. It's not going to be something similar to 2 because hum log ko to kuch alag lana padega. Right. Kyunki kahani bhi aage badhi hai. Kahani bhi aage badhi hai. Shades bhi alag badh rahe hain. Jis disha mein kahani ko aage badhna chahiye tha, hamare director aur makers usi disha mein aage badhe hain. Jis baat ki sabse pehle jab I think hame pata chala tha ki season 3 kya hoga. Ji. जब वो पता चला तो सबसे पहले सेटिस्फैक्शन इस बात का था कि ये सही दिशा में ही आगे बढ़ रहा है पूरा सीजन. करेक्ट. थियरीज की मैं बात करूँ तो एक मैंने पढ़ा बिना टिमारी सबको मार्केट रोड पे बैठ जाएगी. ये भी ठीक है. यू नो आई वुड लाइक टू नो रसिका, मेरा तो बहुत मन है वैसे करने का. कहीं ये हिंट तो नहीं? यू नो आई वुड लाइक टू नो रसिका, जब हम गैंगस्टर ड्रामा स्पेशली जब मूवीज में देखते थे तो फीमेल कैरेक्टर्स डिडंट हैव मच टू डू. ऑफकोर्स वो OTT से बहुत चेंज हुआ है, बट वेन मिर्ज़ापुर इज समथिंग जो जब शुरू हुआ था वो OTT का भी एक दौर शुरू हो रहा था हमारे यहाँ पे यू नो इंडिया में, कैसा फील हुआ था देख के कि ओके अ फीमेल कैरेक्टर ऑल्सो हैज सच अ स्ट्रॉन्ग रोल टू पोर्ट्रे अमिड ऑल द मैन? नो, इट फाइनली फेल्ट लाइक थिंग्स वर चेंजिंग एंड क्योंकि राइटिंग और बेटर हो गई है इसलिए कैरेक्टर्स भी और नुआंस्ड हो गए हैं और हर कैरेक्टर का एक जर्नी है. वो सिर्फ वहाँ टोकनिज्म के लिए नहीं है और उनका एक ग्राफ है. हाँ. उनकी एक जर्नी है तो वो तो ओवरऑल राइटिंग में वो बदलाव आया ही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट द वेमेन कैरेक्टर्स हैव ऑल्सो गॉट सम सॉर्ट ऑफ प्रेजेंस इन द शो इन प्रोजेक्ट्स और इन शोज. Earlier I used to feel that it was just an act of tokenism, but I felt later that I think we had evolved into a space where we were writing women characters which were actually celebrating the femininity, you know. So I think it's a very welcome change. It could always be better is what I always say, and I hope that becomes
becomes the norm yeah. rather than an aberration. Where maybe in a gangster drama you have a woman in the center. Yeah, correct. Mm-hmm. And that AI poster. Oh God, I'm getting goosebumps as I'm talking about it. What a poster, yeah. मतलब क्या बनाया गया है वो? It's like वो कहते हैं ना बिना त्रिपाठी का proper evil side बाहर आ रहा है उसमें. Yeah, it's pretty dark. My friend Anusha Yadav, who's a very talented photographer and designer, she did that for me. And I think it was really sort of, you know, bringing in elements of the character. Yeah. And that was, I thought, very nicely done by her. And we kind of jammed together and thought about what are those things that we think about Veena, you know? Yeah. So I think the chess came about yeah. from the manipulation side. Anything, and yeah. the baby came from her being a mother who was very protective of her her child at this point. Correct. Priyanshu? इस बार पता चलेगा कि नहीं रॉबिन की मम्मी कौन है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है. बहुत से क्वेश्चंस ऑफ कोर्स मिर्ज़ापुर 3 के बारे में है, बट आई थिंक पीपल आर आल्सो वेरी कीन टू नो रॉबिन की मम्मी कौन है. नो, सबने आई थिंक ये सवाल मुझे इतना पूछा था कि वही मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि मेरी असली मम्मी के पीछे पड़ गए थे लोग. वो उनको इंस्टाग्राम में डीएम कर रहे थे कि हमें पता है कि रॉबिन की मम्मी कौन है. और मेरी मम्मी बोल रही थी कि थैंक यू, पर मैं प्रियांशु की मम्मी हूँ. पर उनको बड़ा खुशी हो रही थी, मज़ा आ रहा था. और पर फिलहाल रॉबिन की मम्मी कौन है वो मम्मी नहीं चाहती कि मैं बताऊं, और ना ही मम्मी चाहती है कि किसी तरह का खुलासा हो. बट आई थिंक शेड्स बन रहे हैं, और रॉबिन को जितना कलरफुल बनाया है अब उसको एक और शेड दिया जा रहा है. तरह तरह के शेड्स उसको स्ट्रीमलाइन किए जा रहे हैं. मुझे लगता है जितना उसको मिस्टीरियस रखेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आता है उस कैरेक्टर के साथ. वही उसकी खूबी थी कि वो कहाँ से आया है, क्या करने जा रहा है, उसके इंटेंशन क्या है. बट स्लोली ऑफ कोर्स वी ऑल्सो सॉ इन सीजन 2 दैट ही इज़ प्योरली फॉलन इन लव विद डिम्पी. जब वो yes. अपना रियल नाम बताता है, फादर से भी मिलता है, घर भी आता है, तो आई थिंक धीरे धीरे वो ट्रैक को भी और ज़्यादा दिखाया जाएगा. और वो अब उस दौरान क्या क्या अब उसकी प्रॉब्लम्स फेस होंगी वो सब है इसमें. Correct. You know, of course, I would like to know, जब एक मल्टी स्टारर आप करते हैं, of course, I think मिर्ज़ापुर is one show where every character has a very strong role, you know, to portray. But कभी भी ऐसा a slight insecurity होती है कि maybe the other actor has a better role to portray. I mean, I would say it fleetingly crosses my mind that somebody has, some characters have more screen time yeah. than other characters. But that's just a very fleeting thought, really. And very soon it becomes about, okay, what do I have to do in this, yeah. you know? Mm. And are my scenes, what can I add to this to make them more exciting and more full of conflict, you know? Correct. So to add that drama to the scene that you are written into. That thought eventually actually makes Mirzapur, because I think all the actors in our show, and I have said this many times, I don't know any other Indian show, the few which we can name, jisme sub characters yes. are juiced out and correct. They are so beautifully done and performed and everything, because actors are not being selfish ki yaar mujhe sirf na screen time karna, mujhe sirf apni punchline marni hai. They're all being together in that scene and apne characters ko itne tarike acche tarike se ubhar rahe, wo kya bolte hain, उभर के आ रहे हैं जी. कि अभी मेरी बात हुई इसके बारे में तो सॉरी उभर के आ रहे हैं कि हमें सब याद रख रहे हैं. मतलब और नॉट इवन जस्ट अस बट देयर आर स्मॉल कैरेक्टर्स. मतलब वेदर इट वाज क्या नाम था अपने वो ललित के कैरेक्टर, मतलब कंपाउंडर के कैरेक्टर, वेदर इट वाज चाचा और यू नो मकबूल और अपने गजमल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो भी. So many, every small yes. to big character is memorable, because हर actor ने ये नहीं सोचा कि मेरे को कितना time मिल रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ, या वो सब थोड़ी सी selfish वाले obviously starting में आता है, as you said, वो natural है कि मैं बोलता है एक और scene मिल जाता तो मज़ा आ जाता है, दो और scene मिल जाते तो मज़ा आता. वो तो कभी खत्म नहीं होगा, वो होना भी चाहिए. That's little in a good way, it's like you want कि अच्छा अगर ऐसा होता तो मैं ये करता types, but also with the, as you have said, Mirzapur ke saath na, like the way the entire show and the story and the characters yeah. have been designed, there is a big scope which we have seen in earlier 2 seasons, ki a so-called a smaller character will come in a most dramatic point yeah. and become, and the whole character will escalate. Like for example, if we see in the climax scene where Veena ka jo scene hai, jisme Maqbool hai and Radhiya, the way these characters have been used at that yeah. point, they become huge. Matlab aur koi nahi dikh raha usme.
मकबूल को जिस तरीके से, वो जो लाइन है कि मकबूल बाबूजी को तुम नहीं मारोगे, बाबूजी को हम मारेंगे, एंड व्हेन बीना टेक्स टू स्टेप्स टुवर्ड्स बाबूजी, रधिया केम्स वेरी स्लाइली एंड शी सेड ऐसे करिए. सो सडनली द होल ड्रामा द स्ट्रक्चर मेक्स अ कैरेक्टर इतना बड़ा. एंड दीज आर द रीजंस व्हाई, बिकॉज दीज कॉन्वर्सेशंस आई हैव विद, आई एम श्योर एवरीबॉडी मस्ट बी हैविंग, बट आई हैव वेरी ऑफन विद गुरु ऑल थ्रू दिस सीजंस की these are the pointers, these are the things which has made Mirzapur what it is, and also these characters ki are apart from the, you know, the main characters which are taking the narrative forward, all characters are such, they have a kind of a fandom and they are really liked and loved by people at large. All the best for Mirzapur season 3 and looking forward to 3 as well as season 4 as soon as possible. Oh, 5, 6, 5, 6, 7. Yes, of course, of course. Thank you so much, guys. Thank you, thank you, thank you.